आदरणीय अध्यक्ष जी, किसी भी देश के जीवन में, इतिहास में एक समय ऐसा आता है जब वो पुरानी बंदिशों को तोड़ करके एक नई ऊर्जा के साथ, नए उमंग के साथ, नए सपनों के साथ, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए कदम उठा लेता है। 21वीं सदी का ये कालखंड, और मैं बड़ी गंभीरता से इस पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में बोल रहा हूं और लंबे अनुभव के बाद बोल रहा हूं कि ये कालखंड, सदी का ये वो कालखंड है जो भारत के लिए हर सपने सिद्ध करने का अवसर हमारे चरण पर, और हम सब ऐसे टाइम पीरियड में है, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, देश के कोटि कोटि जन है, ये टाइम पीरियड बहुत अहम है, बड़ा महत्वपूर्ण है बदलते विश्व में। और मैं इन शब्दों को भी बड़े विश्वास से कहना चाहता हूं कि ये कालखंड जो घड़ेगा उसका प्रभाव इस देश पर आने वाले 1000 साल तक रहने वाला है। 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ इस कालखंड में अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से जो करेगा वो आने वाले 1000 साल की मजबूत नींव रखने वाला है। और इसलिए इस कालखंड में हम सबका बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारी, और ऐसे समय हम सबका एक ही फोकस होना चाहिए, देश का विकास, देश के लोगों के सपनों को पूरा करने का संकल्प, और उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए जी जान से जुट जाना, यही समय की मांग है। 140 करोड़ देशवासी, इन भारतीय समुदाय की सामूहिक ताकत हमें उस ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। हमारे देश की युवा पीढ़ी का सामर्थ्य, आज विश्व ने उनका लोहा माना हुआ है, हम उन पर भरोसा करें। ये हमारी युवा पीढ़ी भी जो सपने देख रही हैं, वो सपनों को संकल्प के साथ सिद्धि तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखती हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, 2014 में 30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, और 2019 में भी उस ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके उनके सपनों को संजोने का सामर्थ्य कहां है, उनके संकल्पों को सिद्ध करने की ताकत कहां पड़ी है, वो देश भली भांति पहचान गया। और इसीलिए 2019 में फिर एक बार हम सबको सेवा करने का मौका दिया, और अधिक मजबूती के साथ दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी